हाँ तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और आज हम सब बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल और प्रोसेस पढ़ने वाले हैं बच्चों। हमने इसको आपको पहले बार पढ़ाया भी था, लेकिन आज हम आपको फिर पढ़ाएंगे ताकि आपका बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादा कमांड हो सके, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस आपका 2 मिनट लेंगे ताकि वीडियो को हम शेयर कर दें। चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए। और बायोटेक्नोलॉजी में आपको जो जो मैंने बताया था, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, तब आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। चलिए बच्चों, देखो बच्चों, हमें ये चैप्टर है, इसमें हमें बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल और प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, किसी भी लिविंग, जैसे मान ले तो बॉडी में हमारी इंसुलिन बनता है, तो वो इंसुलिन बॉडी मान लीजिए हमारे नहीं बन पा रहा है या हमारी बॉडी नहीं बना पा रही है, तो उसी इंसुलिन को बाबू उसी इंसुलिन को हम लोग क्या करेंगे, बाहर बनाएंगे। क्या करेंगे, उसी इंसुलिन को हम लोग क्या करेंगे, बाहर बनाएंगे, कंपनी में बनाएंगे। मतलब कि कंपनी, जैसे हमने कहा एक कंपनी थी इली लिली कंपनी, वो इंसुलिन को बाहर बनाई थी। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को यूज करके तो तभी तो बना पाएगी। जैसे हमने कहा, मान लीजिए हमारे बॉडी में इंसुलिन जो बनाता है वो पेनक्रियास का बीटा सेल बनाता है, तो उसी जीन को हमें बनाना है जो इंसुलिन बनाता, ठीक है ना, तो उसी को हम बाहर बनाएंगे। तो उसी इसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि ऐसे प्रोडक्ट का निजात करना लिविंग ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जो हमारे लिए, ह्यूमन के लिए वेलफेयर हो, समझ में ना, उसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, चलो देखो बच्चों, इसमें क्या क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ना है, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे होती है, उसका प्रोसेस कैसे होता है वो पढ़ना है। ठीक, अब देखो इसमें तो ये तो वगैरह बाद बताएंगे आपको। देखिए इसमें बताएंगे बच्चों कि जो बायोटेक्नोलॉजी होती है आपकी, इसमें क्या होता है बच्चों, हम देखो यहाँ लिखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट को यूज करते हैं और मॉडिफाई करते हैं उसे, या तो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, है ना। और बायोटेक्नोलॉजी जो होता है बच्चों, ये क्वाइंड किया गया था 1919 में इरेकी के द्वारा, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या कहा जाता है बच्चों, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है, इतना आप याद रखेंगे। चलो आगे कह रहा है बच्चों कि जो बायोटेक्नोलॉजी होती है ये दो पार्ट में डिवाइड करी जाती है, ये दो पार्ट में करी जाती है। पहला आपका होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा तो होता है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है बच्चों, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए को, आरएनए को चेंज कर दिया जाए ताकि उसका फिनोटाइप चेंज हो जाए। जैसे आपने मूवी देखो कि हॉलीवुड में हल्क, तो हल्क तो नॉर्मली क्या रहता था, आदमी रहता था, लेकिन बाद में उसका जब वो मॉडिफाई होता था तो उसका डीएनए आरएनए चेंज होता था और वो पूरी तरह से क्या हो जाता था, नया रूप लेके आता था, उसे बोलते हैं फेनोटाइप। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है, आपने बहुत सारी पिक्चर देखी, वुल्वरीन देखी होगी, डॉक्टर स्ट्रेंज देखी होगी, तो ये सारी मूवी जो है उसमें जो दिखाई गई है वो किसके बेस पे, डीएनए आरएनए चेंज हो जा रहा है और इसका फिनोटाइप बदल जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। बच्चों बायो प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि ये एक स्टराइल कंडीशन में हो जहाँ पे माइक्रोब्स ना हो, पैथोजन ना हो, है ना, तो इसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे हमने कहा आप लैब में जाते हैं काम करने, तो वहां पे क्या होता है, मास्क लगाना होता है, या मान लीजिए डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो वहां पे मास्क लगा रहता है, हेयर में कुछ पहना रहता है, हाथ में ग्लव्स रहते हैं, क्यों, ताकि वहां से इन्फेक्शन ना हो सके, उसी को बोलते हैं बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। अगर डॉक्टर मान लीजिए किसी का ऑपरेशन करता है तो उसकी जो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ऑपरेशन करने वाले, उसको क्या करते हैं, स्टराइज करा जाता है। ऑपरेशन करने के बाद उनको एक मशीन में रखा जाता है, वो उसको क्या करते हैं, स्टराइज करती है ताकि उसमें जितने पैथोजन वो मर जाए, उसी को बोलते हैं बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग कहते हैं। ओके चलिए,
आगे चलते बच्चों, कह रहे कि अगर मान लीजिए जेनेटिक इंजीनियरिंग आप करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको सिंपली याद रखना होगा बच्चों, किसी भी ऑर्गेनिज्म से क्या करेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट निकालेंगे और उसको कहाँ डालेंगे बच्चों, वेक्टर डीएनए के अंदर डालेंगे, उसके बाद वेक्टर डीएनए से कहाँ डालेंगे, होस्ट में डालेंगे, होस्ट के बाद क्या होगा बच्चों, उसकी क्लोनिंग होगी और किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में उसकी क्लोनिंग होगी, ढेर सारा प्रोडक्ट बनेगा। तो सिंपली तो समझ सकते हो बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म से हम डीएनए को निकालेंगे, जो हमारा डीएनए मेन है, जो कोई प्रोडक्ट बनाता होगा उसको हम निकालेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, उसको हम वेक्टर डीएनए में डालेंगे। एक ऐसा डीएनए होता है जो उस जीन को मैनिपुलेट करता है, ज्यादा नंबर में बढ़ाता है, नहीं वेक्टर डीएनए होता है बच्चों जो क्या करता है, उस जीन को लेके जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिसकी कॉपी बनाता है, ठीक। उसके बाद क्या होगा बच्चों, होस्ट में डालेंगे, होस्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी ढेर सारी कॉपी बनेगी, है ना। तो इसका मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए बच्चों आपको एक एक डीएनए चाहिए, एक दो, जैसे हमने कहा मान लो ये मान लो तुम्हारा क्या है, दो डीएनए, यहाँ देख ये स्केल देख ले, तो एक डीएनए ये हो गया तुम्हारा और एक डीएनए ये हो गया, ये समझ लो वेक्टर है। वेक्टर का मतलब इस डीएनए को हम लोग कट करेंगे, यहाँ से हम लोग कट करेंगे, यहाँ से जीन निकालेंगे, वो जीन जो हमें जरूरी है, जो हमारे लिए जरूरी है, जिसका हमें काम करना है। इसका मतलब नहीं कि डीएनए को काट दे तो हर पार्ट को लग देना, डीएनए के उसी पार्ट को आपको यूज करना है जो आपका कोई प्रोडक्ट बनाता। जैसे मान ले ये आपका जो डीएनए है ये आपके पेनक्रियाज से निकाला गया है, तो क्या उसका हर डीएनए का पार्ट तो इंसुलिन बनाएगा नहीं, मेन पार्ट जो इंसुलिन बनाता है उसी पार्ट को कट करेंगे बच्चों, और इसमें क्या करेंगे, इसको भी कट करेंगे, कट में इसमें लगा देंगे। अब इसको लगाने के बाद बच्चों इसको ट्रांसफर करेंगे किसमें, होस्ट में। होस्ट क्या करेगा, इसका नंबर बढ़ाएगा, आगे समझ में, हाँ यही बात करना। और जो होस्ट होगा बच्चों वो प्रोकैरियोटिक नेचर का होगा, ये हो सकता है या तो अलग अलग हो सकता है, ठीक। चलो आगे चलते हैं, देखो बच्चों ये तुमको याद रखना, ये बार बार पूछेगा, यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है, पूछेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अगर आप करना चाहते हैं तो उसका क्या रूल है, क्या रेगुलेशन, अगर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो यहाँ देख ले भाई, पहले क्या करोगे बच्चों, तुमको डीएनए निकालना होगा, चलो मैंने डीएनए निकाल लिया, अब उसको डीएनए को तुमको कट करना होगा। जब तुम डीएनए को कट करोगे किसकी वजह से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से कट कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे बच्चों, उस डीएनए को तुम लाइगेट करोगे, कहाँ वेक्टर में जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक। उसके बाद कहाँ करोगे बच्चों, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करोगे होस्ट में, है ना। उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसको हम न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वहां न्यूट्रिएंट देंगे, उसके बाद उससे क्या निकालेंगे, डिजायर्ड प्रोडक्ट निकालेंगे। अब इसको समझ ले आसान भाषा, देखो जैसे मान लो मैंने कहा बच्चों ये डीएनए, ओके, इस डीएनए को मैंने कट करा, इतना पार्ट कर दिया, इसको कट करा, तो यहां से हमने क्या किया, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लिया। अब इसको हमें क्या करना बच्चों, जब जैसे मान लो ये मैंने डीएनए निकाल लिया, तो इसमें देखो मैंने बताया तुमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है बच्चों, दो डीएनए की जरूरत पड़ती है, एक वो जिसका आपको प्रोडक्ट बनाना है और एक वो जिसमें आपको उसको लगाना है जीन को। तो हमने कहा जैसे मान लो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मैंने ये मान लो तुम्हारा डीएनए था, मैंने इससे टुकड़ा काट लिया, छोटा सा टुकड़ा काट लिया, अब ये हमारा क्या वेक्टर है, इसमें मैं इसको लगा दूंगा कट करके। जब ये लग जाएगा बच्चों, तो इसको पूरे को मैं कहाँ डालूंगा, होस्ट में डालूंगा। जब होस्ट में डालूंगा तो इसका नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, कॉपी होगा, फिर उससे हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, आया ना। तो ये देखो ये लिखा भी गया है, यहाँ तुम देख लो, यहाँ तुम्हारा लिखा भी गया है। अच्छा आपसे पूछेगा, अगर मान लो डीएनए को हमें कट करना होता है तो आप किसकी मदद करते हो, उसका नाम होता है बच्चों रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, है ना। और जैसे मान लो इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे हमें जोड़ने के लिए किसी जरूरत पड़ती है, डीएनए लाइगेज की, किसकी, डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ती है, ठीक। अब आगे चलो चलो देखो बच्चों, यहाँ लिखा है कि पहली बार आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बना था, तो के उसमें देखिए बताया गया है कि सल्मोनेला टाइफी म्यूरियम का प्रयोग किया गया था, जिसको बनाया गया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, है ना। तो कैसे बनाया गया था, तो क्या किया गया बच्चों, एक प्लाज्मिड लिया गया, प्लाज्मिड में क्या किया गया, जीन मतलब प्लाज्मिड लिया गया। प्लाज्मिड क्या होता है बच्चों, प्लाज्मिड वो होता है बच्चों जो प्रोक्रोटिक में पाया जाता है, यूक्रोटिक में नहीं पाया जाता, जो क्या करता है बच्चों, उसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, और उसको अगर अपना रेप्लिकेशन करना है तो उसे किसी से पूछना नहीं पड़ता, वो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल पार्ट होता है, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो प्लाज्मिड हुआ, तो हम क्या करेंगे बच्चों, प्लाज्मिड एक तरह का वेक्टर डीएनए जो क्या करता है, किसी भी जीन को लेके जाता है होस्ट में, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, तो सल्मोनेला टाइफी म्यूरियम में यूज किया गया था, 1972 में इसका यूज किया गया था, कोहने और बोरर ने किया था। तो उन्होंने ये बताया कि सल्मोनेला टाइफी म्यूरियम में हमने क्या किया, एक प्लाज्मिड लिया, ठीक, इस एक प्लाज्मिड लिया हमने, और उस प्लाज्मिड को हमने कट किया और उसमें हमने डाला जीन, कौन सा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को उसमें लगा दिया। तो मान लो ये जीन है, ये तुम्हारा प्लाज्मिड है, तो ये तुम्हारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। अब जैसे मान लो तुम्हारा ये सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है, जैसे मान लो ये मेरी समझ लो, ये मान लो सल्मोनेला तुम्हारा टाइफीम्यूरियम, अब इसके इसके ऊपर बच्चों में अगर मैं एंटीबायोटिक्स डालता हूँ तो ये मर जाएगा, ओके। लेकिन अगर बच्चों कि इसके अंदर मैं क्या करूं, अगर मैं इसके अंदर एंटीबायोटिक, अब तुम समझो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है, अब इसके अंदर मैं क्या करूं, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगा दूं, अब इसके ऊपर बच्चों अगर मैं एंटीबायोटिक वाला
एंटीबायोटिक डालूंगा तो ये नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि अब इसके जीन में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुका है इसका जीन, तो अब इसके ऊपर एंटीबॉडीज कोई असर नहीं करेगा। तो इसी की डिस्कवरी किसने किया था बच्चों? हर्बर्ट बोर ने। तो उन्होंने बताया कि जब वेक्टर डीएनए में हम जीन को लगाएं और वो ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किए किसमें, सल्मोनेला टाइफीबेरियम में, तो वो एंटीबायोटिक के ऊपर क्या था, रेजिस्टेंस था। इसका मतलब आपका डीएनए ट्रांसफर हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काम की, है ना? ओके, यही सारा इसमें लिखा गया। ठीक, अब देखो ये डायग्राम यहाँ देख लो, यहाँ देख लो बच्चे, इसको एक बार देख लो तुम लोग, इसको तुम देख लोगे तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। तो देखो बच्चों, यहाँ ये तुम्हारा बताएगा, ये देख तुम्हारा फॉरेन डीएनए है, अब फॉरेन डीएनए ये है तुम्हारा, और ये तुम्हारा वेक्टर डीएनए जिसका हमें प्रयोग करके हम अपने जीन को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं या किसी होस्ट में डालते हैं। ये देखो तुम्हारा ईकोलाई, यहाँ ईकोलाई। अब इस ईकोलाई में बच्चों, ये हमारा ये जो है आपका ये प्लाज्मिड है, इसी को इसमें डालना है। तो क्या करते हैं पहले बच्चों, हम क्या करेंगे, इस डीएनए को भी कट करेंगे और वेक्टर डीएनए को भी कट करेंगे, सेम रिस्ट्रिक्शन इंजाइम से पहले कट करेंगे। जब कट करेंगे देखिए यहाँ कट हो गया, यहाँ भी कट हो गया, है ना? अब इसमें से जो हमारा मेन पार्ट है, है ना, जो मेन पार्ट है बच्चों हमारे, इसमें से जो मेन पार्ट है, ओके, तो हमने कहा जो हमारा जीन जरूरी है उसी को हम निकाल के इसमें क्या करेंगे, लगा देंगे। अब इसमें लगा देंगे तो देखिए यहाँ लग गया, इसी को बोलते हैं बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब इसको क्या करें बच्चों, ट्रांसफर करें किसमें, होस्ट में। जब होस्ट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, उसका क्लोनिंग बनाएगा ढेर सारा। यही कहानी पूरी इसमें पढ़नी है आपको। ठीक, अब आगे देखो बच्चों, देखो लिखा है कि ये सारी चीज मैंने बता दिया है। देखो कह रहा बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि डीएनए टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डीएनए टेक्नोलॉजी आप करें तो उसके लिए बच्चों क्या होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, और आपको टूल्स के बारे में जानकारी रखनी पड़ती है। आपसे पूछेगा कि रिकमेंड डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स बताइए, ठीक है ना? हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओ है ना, तो बच्चों टूल्स ऑफ रिकमेंड डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, देख अगर ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनेगा, है ना, तो देखो तुमको आसान भाषा में एक बार समझा दे रहा हूँ, पूरा मैप सुनना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा वन शॉट वीडियो है, रेगुलर वीडियो नहीं है। अगर रेगुलर होता तो मजा आ जाता आपको, लेकिन मेरे पास समय कम है क्योंकि मुझे आपको रिवाइज भी कराना है। अगर मैं ज्यादा रेगुलर लेके चला जाऊंगा तो वीडियो लंबी चली जाएगी। तो समझो बायोटेक में क्या कहता है बच्चों, दो चीज पहले आपको जानना होगा, एक हम डीएनए लेंगे और एक हम प्लाज्मिड लेंगे, राइट। हम दोनों को कट करेंगे, दोनों भी क्या डालेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो भी कौन सी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको डालेंगे। वो क्या करेगा, दोनों को कट करेगा। जब दोनों को कट करेगा तो जैसे मान लो ये तुम्हारा डीएनए है, तो डीएनए में हर पार्ट क्या होता है, इंसुलिन नहीं बनाएगा। मान लीजिए मुझे इंसुलिन बनवाना है कंपनी में, तो ये तुम्हारा डीएनए है, अब इसका कुछ पार्ट क्या होता है, इंसुलिन बनाएगा, वही जीन, तो उसी जीन को हम कट करेंगे। लेकिन मैंने कहा इस जीन को अगर कट करना हो तो इस पे क्या डालेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। जब ये कट हो जाएगा बच्चों तो वो पार्ट अलग हो गया। अब तुम्हारी ये क्या हो, प्लाज्मिड डीएनए, इसको भी कट करोगे क्योंकि हमें इसमें लगाना है, है ना, तो इसको कट करके बच्चों इसमें हम लगाते हैं। लगाने के बाद इसको क्या करेंगे, होस्ट में लेके जाएंगे, समझ में आना। और होस्ट में ले जाने के बाद क्या होता है बच्चों, उसको मल्टीप्लाई करता है, उससे क्या होता है, डिजायर प्रोडक्ट बनता है। यही सारी कहानी पढ़नी है, लेकिन कैसे सारे प्रोसीजर होंगे वो आपको जानना होगा। तो देखो बच्चों यहाँ लिखा है, पहले पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है, लाइगेज क्या होता है। लाइगेज जो होता है बच्चों, जो डीएनए में मतलब कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को, मतलब कि जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है जिस जीन से हमें प्रोडक्ट बनाना है उसको क्या करता है, वो वेक्टर डीएनए में जोड़ने का काम करता है। जैसे मैंने कहा मान लो ये तुम्हारा वेक्टर डीएनए है और इसमें हमने क्या किया, अपने जीन को लगा दिया, ये क्या हो गया, जुड़ गया, तो उसका तो लाइगेज की वजह से वो जुड़ता है। अच्छा वेक्टर क्या होता है बच्चों, वेक्टर वो होता है बच्चों जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी भी होस्ट में लेके जाता है। जैसे मैंने कहा पोस्टमैन का आप नाम सुने होंगे, जैसे मान लीजिए किसी की जॉब लगती है तो उसका जो कॉल लेटर आता है पोस्ट ऑफिस में आता है, तो उस पोस्ट ऑफिस से जो कॉल लेटर लेके आया आप तक, कौन है, पोस्टमैन है। तो उसी तरह वेक्टर होता है जो क्या करता है, वेक्टर का एक नाम आप जानते होंगे कि एनाफ्लिज, एक मॉस्किटो है जो क्या करता है, मलेरिया का वेक्टर है जो ट्रांसमिट करता है, उसी तरह सेम कंडीशन यहाँ भी। कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब होता है बच्चों की वह होस्ट जिसमें हमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालना है, ओके। चलो अब देखो बच्चों यहाँ से तुम्हारा आएगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करेंगे तो उसमें आपका नाम आएगा मॉलिक्यूलर सीजर। आपको याद रखना होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। ये डीएनए को कट करता है, वेक्टर को भी कट करता है और डीएनए को भी कट करता है। अब यहाँ देखो बच्चों इसे बताया गया है कि क्या किया गया, तो इसे बताया गया कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। इसमें आपको बताया जाएगा कि बच्चों की तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई थी। तो इसमें मैं आपको समझाता हूँ, आपसे पूछेगा कि मॉलिक्यूलर सीजर जो था कब डिस्कवर हुआ था, कैसे डिस्कवर, तो आप सिंपली आपको समझाते हैं। देखो बच्चे क्या किया गया कि मैं आपको सिंपली ले जाता हूँ, मैंने वहां डायग्राम बनाया होगा, मैं आपको समझाता हूँ कहाँ गया। हाँ देखो बच्चे कैसे डिस्कवर हुआ, देख ये तुम्हारा मान लो बैक्टीरियोफेज आया,
ये तुम्हारा बच्चों बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज है, अब ये बैक्टीरियोफेज ये इस ई कोलाई को मारना चाहता है, ठीक मार दे भाई तेरी मर्जी। तो ये बैक्टीरियोफेज बच्चों इस ई कोलाई को मारना चाहता है, साइंटिस्ट इसमें डिस्कवरी कर रहे थे, जान रहे थे क्या चीज हो रहा है, तो उनको ये सब चीज नहीं पता था। तो उन्होंने देखा बच्चों कि ये जो बैक्टीरियोफेज था ये अपना डीएनए इसके अंदर डाल दिया और तुरंत इस ई कोलाई ने क्या किया इसके डीएनए को काट दिया और फिर देखा गया कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियोफेज था इस ई कोलाई को नहीं मार पा रहा था। भाई अपना डीएनए डालेगा जब इसका डीएनए पूरी तरह से कंप्लीट रहेगा, टूटेगा नहीं तब तो ये काम करेगा ना इसका डीएनए, तो इस ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए बच्चों इसमें टूट जा रहा था फ्रेगमेंट में। तो उन्होंने सोचा इसका डीएनए कैसे टूट जा रहा है, तो उन्होंने उन्हें पता लगा कि इसके अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस जो इसके डीएनए को काट दे रहा है, तो इसका डीएनए काम ही नहीं कर पा रहा। लेकिन फिर एक सवाल उनके मन में उठा कि भाई ई कोलाई का भी तो अपना डीएनए है वो नहीं क्यों कट रहा है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है बच्चों उसके पास मिथाइलेशन है, वो मेथाइलेटेड है, इसका मतलब जिस डीएनए के ऊपर मेथाइलेशन होगा वो कभी भी उस पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम नहीं करेगा। याद रखिएगा अगर किसी भी डीएनए के ऊपर मेथाइलेशन है मेथिल है तो क्या होगा उस पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कभी काम नहीं करेगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बच्चों डिस्कवर हुआ था ई कोलाई में जब उस पर बैक्टीरियोफेज क्या कर रहा था बच्चों इन्फेक्शन कर रहा है ना। चलिए हम चलते बच्चों आगे जहां हम लोग थे, कहां थे, यहां थे। ये थे ना, ये समझ में आया। चलिए तो कह रहे बच्चों अब यहां समझते, आपसे अगर मान ले तुमसे पूछेगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बताओ, तो तुमको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बच्चों यहां से बनाना हो, यहां से बताना हो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये होती है रिस्ट्रिक्शन में क्या, तो बोलोगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बच्चों हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, ये डीएनए को कट करता है वेक्टर को भी कट करता है और इसको इसकी डिस्कवरी कहाँ हुई थी ई कोलाई में जब बैक्टीरियोफेज क्या कर रहा था बच्चों इन्फेक्शन कर रहा था उसको, तो उसके बैक्टीरियोफेज के डीएनए को ई कोलाई का जो एंजाइम था काट दे रहा था, तो उस एंजाइम का नाम पड़ा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके 1963 में की गई थी। तो आपसे पूछेगा बच्चों फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम बताइए, तो आप बोलेंगे हाइंड सेकंड जिसको विलवॉक्स और किलिन ने डिस्कवर किया था। आपको साइंटिस्ट का नाम याद रहे या ना याद रहे कोई इससे ज्यादा दिक्कत नहीं। तो क्या है बच्चों जो हाइंड सेकंड है बच्चों ये क्या करता है डीएनए को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करता है जिसमें 6 बेस पेयर होते, उसे बोलते हैं पैलेट्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो कह रहा है हिंड सेकंड के अलावा बच्चों 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो 230 स्ट्रेन से बनाई गई है। कितने 230 स्ट्रेन से, समझ में आ रहा। चलिए अब देखो बच्चों कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेमिंग बताओ, तो हम बोलेंगे बच्चों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अगर आप नेमिंग देखते हैं तो बच्चों यहां देखो लिखा है ईक्यूआरआई, लिखा है ना ईक्यूआरआई फर्स्ट, या यहां देखो लिखा है ईक्यूआर सेकंड। तो यहाँ बच्चों क्या है देखो जी इनका जो फर्स्ट लेटर होगा ये तुम्हारा फर्स्ट लेटर है और ये दोनों क्या बच्चों सेकंड लेटर, तो जो फर्स्ट लेटर होता है बच्चों वो जीनस वर्ड से आता है उसका नाम है इसचेरिकिया, और जो तुम्हारा को है बच्चों वो स्पीसीज है उसको बोलते हैं कोलाई। आरवाई तुम्हारा क्या होता है, जो आरवाई होता है बच्चों रोमन नंबर, ये बताता है कि उसका स्ट्रेन, और 13 जो होता है बच्चों ऑर्डर है, समझ में आना। तो ये तुम्हारा देखो लिखा है कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो जीनस का नेम है और जो दो लेटर है जो ये तुम्हारा फर्स्ट लेटर है ये जो दो 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 लेटर है बच्चों ये क्या होते हैं स्पीसीज के नेम होते हैं, और ये तुम्हारा आर जो है बच्चों ये क्या है रोमन नंबर है और ये आई जो है तो इसको ऑर्डर कहते हैं। अब देखो बच्चे कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आपकी होती है बच्चों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बच्चों बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम ये बात को याद रखना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इंपॉर्टेंट है ये आ सकता है, इसलिए तुम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जरूर पढ़ के जाना, पीबीआर 322 मत भूलना, ये एकदम कॉन्सेप्चुअल है कि इसके बारे में जरूर क्वेश्चन पूछेगा और नहीं आया तो बताना, ये प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा आया है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों क्या है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है बच्चों ये बिलोंग करता है एक क्लास एंजाइम की जिसका नाम होता है न्यूक्लियस, ये भी आपसे नेट में क्वेश्चन पूछ सकता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस क्लास से बिलोंग करता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस, है ना, क्या नाम है न्यूक्लियस। अब कह रहे हैं बच्चों न्यूक्लियस दो तरीके का होता है, एक एक्जो और एक इंडो। तो जो डीएनए को बच्चों इंड में कट करता है उसे बोलते हैं एक्जो, जो डीएनए को सेंटर में कट करता है उसे क्या बोलते हैं इंडो बोलते हैं, ठीक। आगे चल तो कह रहे बच्चों ये मैंने बताया, तो कह रहे एग्जांपल जैसे देख लीजिए ये आपका लिखा है GAAAC, है ना, तो ये है आपका। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता है पैलोड्रोमिक डीएनए क्या होता है, तो कह रहा है पैलोड्रोमिक डीएनए वो होता है बच्चों जिसको आप या तो 5-3 पढ़िए, देखो लिखा है अगर आप 5-3 पढ़ेंगे इधर से तो इसका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, अगर इधर से आप इधर पढ़ेंगे तभी प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, जैसे मैंने पढ़ाया था मलयालम। तो बच्चों तो इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है ना, तो इसी को बोलते हैं पैलेट्रोमिक सीक्वेंस। तो जो भी रिस्ट्रिक्शन साइट होता है बच्चों वो पैलेट्रोमिक सीक्वेंस को कट करता है। यहाँ आगे चलो तो इसमें देखो बच्चों ये, हाँ ये मैंने आपको बताया है डायग्राम्स में, देखो बच्चों अब कह रहा है कि जो सेपरेशन होता है डीएनए फ्रेगमेंट, जैसे मान लो तुमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए पे काटा और ढेर सारे फ्रेगमेंट डीएनए के कट गए, तो आप
तो उसमें से क्या है बच्चों, डीएनए का फ्रेगमेंट तो बहुत सारा है, उसमें से हमें उस जीन को निकालना जिससे हमारा प्रोडक्ट बनना है। तो कैसे अलग करेंगे, तो हम प्रयोग करेंगे बच्चों, देखो लिखा है जब डीएनए को आप रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से कट कर देते हैं तो बच्चों डीएनए ढेर सारे फ्रेगमेंट में टूट जाता है। अब अगर आपको डीएनए के फ्रेगमेंट को साइज के बेस पे अलग करना है, छोटा अलग हो जाए बड़ा अलग हो जाए, तो उसको यूज करना पड़ेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए टेक्निक इन विच अ फ्रेगमेंटेड डीएनए सेपरेटेड ऑन बेसिस ऑफ साइज। और बच्चों जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होता है और उनको सेपरेट करते हैं हम लोग जब जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो आप आपको पता होगा सेम जो चार्ज होंगे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अब क्या होगा बच्चों, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब डीएनए क्या होगा, मूव करेगा। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, मोस्ट जो इसमें जेल यूज होता है उसका नाम होता है एग्रोज, और ये कहां से बनता है, सीवीड से बनता है। अब क्या होगा बच्चों, डीएनए फ्रेगमेंट क्या हो जाएंगे बच्चों, साइज रिगार्डिंग क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए अलग तो हो गए लेकिन भैया वो पता नहीं चल रहा है ना, ये देखो तुम्हारे इलेक्ट्रोफोर्सिस जेल है, ये डायग्राम पूछ लेना, इसी में हम लोग डीएनए डालेंगे, इसी में हम लोग फ्रेगमेंटेड डीएनए डालते हैं। इसके बाद यहां से मूवेबल करते हैं, यहां से मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका जेल है। कौन सा जेल है बच्चों, एग्रोज जेल, सीवीड से बनता है। और यहां देखो ये स्मॉलेस्ट डीएनए है, ये लार्जेस्ट डीएनए, तो यहां नेगेटिव है भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव वाला क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो तुम्हारा जो बच्चों ये छोटा वाला होगा ये ज्यादा दूर जाएगा क्योंकि ये इसका वजन कम है, इसका वजन ज्यादा होगा बच्चों तो ये क्या होगा, ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा। जैसे हमने कहा मोटे में पतले में दौड़ लगा, तो मोटा कम दौड़ेगा पतला ज्यादा दौड़ेगा, ठीक। अब तो वही चीज इसमें लिखा है बच्चों कि जो सेपरेटेड डीएनए होते हैं बच्चों, जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो उनको क्या करते हैं बच्चों, हम लोग स्टेन करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से ताकि उनका कलर आ जाए, कौन सा, ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर जब एग्रोज जेल में आएगा तब आप उसको काट के निकाल लेंगे, और जब उसको काट के हम निकालते उससे बोलते हैं इल्यूजन, क्या बोलते हैं, इल्यूजन, है ना। अब इसी इसी जिस पार्ट को हम निकालते हैं बच्चों उसको हम क्या करते हैं, वेक्टर में लगाते हैं, है ना, क्लोनिंग करने के लिए। यही चीज है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहानी। अब देखो बच्चे तुमसे पूछे क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, तो बोलेंगे एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जो क्या करता है, फॉरेन डीएनए सेगमेंट को लेके जाता है कहाँ पे, होस्ट में, कहाँ पे होस्ट में लेके जाएगा, उसको बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। तो कह रहा है कि बच्चों कि जो आपका प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड के बारे में जान लीजिए आप, जो प्लाज्मिड होता है बच्चों ये क्या होता है, सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है और सेल्फ ऑटोनोमस, लिखा ना उसको, उसका मतलब होता है सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। चलिए आ जाओ, कह रहे कि बच्चों बैक्टीरियोफेज जो होता है बच्चों ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो आपसे पूछेगा एक ऐसे वायरस का नाम बताइए जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसका नाम होता है बैक्टीरियोफेज, है ना। अब देखो बच्चे लिखे कॉपी नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कॉपी इन वेक्टर, तो कह रहा है कि किसी भी वेक्टर में कितनी कॉपी बन रही है उसे बोलते हैं कॉपी नंबर। बैक्टीरियोफेज जो होता है बच्चों इसके पास हाई नंबर पर सेल होता है, है ना। और कह रहा प्लाज्मिड जो होता है बच्चों उसके पास ओनली वन आर टू पीस ऑफ कॉपी, इसका मतलब जो प्लाज्मिड होता है बच्चों कॉपी कम बना पाता है, बैक्टीरियोफेज ज्यादा बनाता है। तो जो कह रहा कॉपी नंबर जो आपका होता है बच्चों एक से एक हजार हो सकते हैं या सौ से ज्यादा हो सकता है, ये नॉर्मल चीजें हैं आपको जानना होगा। अब चलो बच्चों ये देखो तुमको मैंने बताया, जैसे मान ले ये तुम्हारा प्लाज्मिड है, ये हमारा जेन जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम इसमें जोड़ दिए तो ये रिकॉमेंड बन गया। रिकॉमेंड को बच्चों होस्ट में डालेंगे, जब होस्ट में डालेंगे बच्चों तो ये अपना मल्टीप्लाई करेगा, और जब मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा बच्चों जिसका हमें यूज है ये उसका ज्यादा नंबर बना देगा। जैसे यहाँ देखो इंसुलिन बनाया है, समझ में। चलो आगे चलते बच्चों, तो यहाँ देख लो बच्चों लिखा है कि अगर मान लो आप चाहते हैं कि क्लोनिंग इंटू वेक्टर, अगर आप चाहते हैं कि वेक्टर बनना, अगर कोई चाहता है क्लोनिंग वेक्टर बनना जो क्लोन करता है हमारे, तो उसकी क्या खास बात होती है, तो इसमें लिखा है कि बच्चों उसके पास क्या हो जाएगी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। अच्छा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है बच्चों, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ओके। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है बच्चों, सेलेक्टेबल मार्कर वो होता है बच्चों जो क्या करता है, वो क्या करता है परमिट देता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, और वो परमिट उसको नहीं देगा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं होगा। क्लोनिंग साइट होती है बच्चों जहां से क्लोनिंग स्टार्ट होगी और वेक्टर होगा, और यह अब देखिए बच्चों बच्चों पूछा ओरिजिनल रेप्लिकेशन क्या होता है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो, है ना। आगे देखो अभी मैं इंस्टाग्राम पे आऊंगा बच्चों, पहले तुम देख लो। तो कह रहा है बच्चों जब हम एलियन डीएनए को जोड़ देते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट पे, है ना, और वहाँ क्या होता है बच्चों टू एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन होता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करेंगे बच्चों, अगर हम लाइगेशन करते हैं फॉरेन डीएनए को बाम एचआई साइट पे, जो क्या होता है टेट्रासाइलेज जीन होता है इन द वेक्टर पीबीआर 322। तो कह रहा है कि ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होता है बच्चों ये लूज करेगा टेट्रासाइलेज जीन ड्यू टू एसएनएम डीएनए। अच्छा मैं इसको आपको ऐसे समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो बच्चों यहाँ समझ लो, कहानी लिखी गई, कहानी से कोई मतलब नहीं, हमें समझ लेते। देखो बच्चों ये तेरा पीबीआर 322 है, तो पहले समझ ले। देखो ये तुम्हारा लिखा है पीबीआर 322, ये बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आने के चांसेस के ज्यादा होते हैं। तो तुमसे पूछेगा पीबीआर 322 क्या होता है, तो बच्चों पी का मतलब होता है प्लाज्मिड, ठीक, एक तरह का ये प्लाज्मिड है,
और इसका नाम है बच्चों बोलिवर रिट्रिगेज 322, याद रखना बोलिवर रिट्रिगेज 322 इसका होता है। तो कह रहा प्लाज्मिड क्या है इसके बारे में समझे, प्लाज्मिड 322 के बारे में पूछेगा तुमसे, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। देखो कह रहा है कि अगर हम बच्चों हम बात करेंगे प्लाज्मिड 322 का, तो तुझे ये बात याद रखनी है कि जो तुम्हारा प्लाज्मिड 322 होता है बच्चों, इसमें क्या होता है दो सिलेक्टेबल मार्कर, एक आपका ये सिलेक्टेबल मार्कर है और एक आपका ये सिलेक्टेबल मार्कर है पहला। अब सिलेक्टेबल मार्कर दो है, एक टेट्रासाइलिन के प्रति रेजिस्टेंस और एक एम्पी साइलेंट के रेजिस्टेंस। अब तूने समझ में इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर ये वाला सिलेक्टेबल मार्कर, जैसे मान लो इसको मैंने क्या कर दिया किसी बैक्टीरिया में डाल दिया, ओके पहले समझ, जैसे मान लो इस वेक्टर प्लाज्मा वेक्टर को हमने इसमें डाल दिया इस बैक्टीरिया में, अब अगर मैं इसके ऊपर टेट्रासाइलिन भी डालूंगा तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा, अगर मैं इस पे एम्पीसाइलिन भी डालूंगा तो इस बैक्टीरिया को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उस वेक्टर के अंदर बच्चों टेट्रासाइलिन के प्रति रेजिस्टेंस जीन है और एम्पीसाइलिन के प्रति रेजिस्टेंस जीन है, समझ में है ना। तो यही कह रहा है कि ये चीज है। अब तुम जैसे मान लो इसमें तुम क्या किए, इसमें इसको कट करके इसमें तुमने कोई जीन लगा दिया, अब जब इस पे तुम जीन लगाओगे बच्चों तो अब क्या हो जाएगा, ये जो आपका वेक्टर होगा अब ये टेट्रासाइलिन के प्रति रेजिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि अब ये पूरा डैमेज हो गया। अगर मान ले मैंने यहाँ जीन लगा दिया कट करके, है ना, जब मैं यहाँ जीन लगाऊंगा बच्चों तो अब क्या होगा कि ये एम्पीसाइलिन के प्रति रेजिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि ये भी डैमेज हो गया। तो दोनों अगर मान लो हटा दिया मैंने, दो तो लगाऊंगा नहीं, लगाना तो एक में है ना। तो तुम सिंपली कह सकते हो बच्चों अगर पीबीआर के टेट्रासाइलिन में, अगर पीबीआर के बच्चों टेट्रासाइलिन में, अगर पीबीआर के टेट्रासाइलिन में हमने अपने जीना पेंटर्स को लगाया, तो जिसके अंदर भी हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो उस बैक्टीरिया के ऊपर टेट्रासाइलिन का असर जाएगा, टेट्रासाइलिन पे वो मर जाएगा, लेकिन एम्पीसाइलिन पे डालने पे वो नहीं मरेगा, क्योंकि एम्पीसाइलिन वाला तो आपका सही है, समझ में। तो इसका मतलब ये होगा बच्चों ये जो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं बच्चों ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एलिमिनेट करते हैं या प्रमोट करते हैं, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है तो प्रमोट करेंगे, अगर नहीं है तो उसको क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक। उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं, अब समझो इसको बच्चों। ये पीबीआर 322 है, पीबीआर 322 में क्या होते हैं बच्चों दो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, इंग्लिश में समझाता हूं बच्चों, दिस इज द डायग्राम ऑफ द पीबीआर 322 राइट, इट्स कंटेन टू सिलेक्टेबल मार्कर, वन इज रेजिस्टेंस टू टेट्रासाइलिन एंड वन इज रेजिस्टेंस टू एम्पीसाइलिन, है ना। टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंस सिलेक्टेबल मार्कर कंटेन टू रिस्ट्रिक्शन साइट, द वन इज बी बाम एच आई एंड सेकंड इज सेल फर्स्ट, एंड द एम्पीसाइलिन रेजिस्टेंस जीन कंटेन टू रिस्ट्रिक्शन साइट, फर्स्ट वन इज पीवीयू फर्स्ट एंड सेकंड इज पीएसटी फर्स्ट। इसका मतलब ये हो बच्चों कि रिस्ट्रिक्शन जो आपका पीबीआर 322 होता है उसके सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर दो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं और एक सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर दो दो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, है ना, बाकी सारी जो है आपकी ये वाली जो रिस्ट्रिक्शन साइट है बाहर है। तो आप बोलेंगे पीबीआर 322 में आठ रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, एक ओरी होता है और एक रोप होता है, है ना। आठ रिस्ट्रिक्शन साइट क्या मतलब, देख ले यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चार सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर होती है और चार बाहर होती है, ये जो आपकी ओरी होती है बच्चों जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इतनी कहानी आपको पीबीआर 322 के बारे में बताना रहता है। ये क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है डीएनए को लेके जाता है, आगे चलते हैं, वही चीज में लिखा है, वही चीज में आपको दोहराया गया, अब देखो बच्चों कह रहा है, कह रहा है कि क्लोनिंग साइट जो होती है बच्चों उसमें क्या होता है एलियन डीएनए को लिंक करा जाता है क्लोनिंग वेक्टर से। तो कह रहा है जो वेक्टर होता है बच्चों उसके पास क्या होता है सिंगल रिकॉग्निशन साइट चाहिए, जिसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी जीन क्लोनिंग अगर मान लीजिए हम करते हैं तो वेक्टर के अंदर अगर ज्यादा से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट हो जाएगा तो उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, इसलिए रिकॉग्निशन साइट कम ही बनाई जाती है ताकि क्या हो जाए कोई दिक्कत ना हो, है ना, ओके चलो। अब देखो बच्चे लिखा है कि वेक्टर जो क्लोनिंग होती है बच्चों वो प्लांट में एनिमल में भी होती है ना। तो कह रहा है कि अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में अगर मान लीजिए हमें किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालना तो हम किसकी मदद लेते हैं टीआई प्लाज्मिड की, है ना, उसका नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस। आपसे पूछेगा कि अगर प्लांट में हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है तो किस वेक्टर का प्रयोग करेंगे, उसका नाम होगा टीआई प्लाज्मिड कहा जाता है, उसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस कहते हैं, एक तरह का क्लोन वेक्टर की तरह काम करता है, है ना। तो बोलेंगे बच्चों जो एग्रोबैक्टीरियम तुम्हारा ट्यूमिफिकेंस होता है ये सेवरल डाइकॉट प्लांट का क्या होता है पैथोजन होता है, ये क्या करता है बच्चों डीएनए के पीस को डिलीवर करता है जिसको टी डीएनए कहते हैं या टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, है ना। ये नॉर्मल तो इसमें क्या होता है बच्चों नॉर्मल प्लांट सेल जो होता है बच्चों ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाता है और केमिकल निकालता है पैथोजन उसमें निकालता है। तो कह रहा है रेट्रोवायरस एडनोवायरस पेपिलोमा वायरस ये सब क्या होता है बच्चों क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज होते हैं एनिमल में। तो अब यहाँ तीन सवाल, अगर बच्चों बैक्टीरिया में क्लोनिंग वेक्टर का हम प्रयोग करेंगे तो प्लाज्मिड है,
अगर बच्चों प्लांट में क्लोनिवेक्टर की बात करेंगे तो टीआई प्लाज्मिड है, अगर एनिमल में क्लोनिवेक्टर की तरह काम करेगा तो उसका नाम होता है बच्चों रिट्रोवायरस, एडनोवायरस और पेपिलोमायरस, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे देख लो बच्चों, कह रहा है कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों समझो, तो कह रहा है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए का किसी भी होस्ट में तो उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। इसका मतलब होस्ट क्या होता है बच्चों, उस डीएनए को तुरंत नहीं ले लेता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे हमने कहा डीएनए आपका नेगेटिव चार्ज होता है, देखो लिखा है कि आपका जो डीएनए होता है बच्चों वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो वो होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा, इसलिए बच्चों में बैक्टीरिया को क्या बनाना पड़ता है, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है ताकि वो डीएनए डीएनए मॉलिक्यूल को ले ले। तो कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है बच्चों कि किसी भी सेल की ऐसी एबिलिटी जो फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले लेता है उसे बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी मतलब जैसे आप मान लीजिए आप स्कूल गए और आप लेट हो गए और गेट बंद हो गया, तो जो एबिलिटी है गार्ड सेल की आपको इस गेट खोल के अंदर लेने के स्कूल में उसी को बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। तो कह रहे बच्चों इसमें क्या होता है, हमें सेल को कॉम्पिटेंट बनाना होगा तभी आपका डीएनए उसके अंदर आएगा। तो कह रहा है कि इसमें क्या होता है, पहला केमिकल मेथड होता है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों कैल्शियम का यूज करते हैं और वो सेल वॉल में पोर बना देता है ना। और हम लोग सेल को क्या करते हैं बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए उस पर हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे उसको 42 डिग्री पे रखेंगे। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे बच्चों, हम केमिकल मेथड में क्या करते हैं, हम डाइवेलेंट कैटायन कैल्शियम का प्रयोग करते हैं और फिर उसको हम सेल को क्या करते हैं होस्ट के एक बार ठंडा करेंगे एक बार गर्म करेंगे, तो 42 डिग्री पे उसको बार बार करने के बाद क्या होता है बच्चों, उसमें छोटा सा पोर बन जाता है, उसका पोर बैठ जाता है, ऐसे पोर बैठ जाता है और उसी को बोलते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट, जिसमें क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाता है। नेक्स्ट समझ, जैसे मान लो कि तुम्हारा ये सेल है, ये मान लो सेल है, अब इसके अंदर पोर नहीं, पोर छोटा है मान लीजिए, तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें बताइए केमिकल मेथड जैसे मान इसमें हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालना हो तो ये जाएगा नहीं, तो इस हम क्या करते हैं इस सेल को उठा लेते हैं और इस सेल को पहले 42 डिग्री पे क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे है ना, फिर क्या करेंगे बच्चों उसको पहले गर्म करेंगे फिर ठंडा करेंगे फिर गर्म करेंगे फिर ठंडा करेंगे, ऐसे बार बार करते जाएंगे, उसी को बोलते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट, जिससे क्या जाएगा बैक्टीरिया के सेल के अंदर क्या होगा पोर बढ़ जाएगा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके अंदर आसानी से चला जाएगा। ठीक, अब इधर देख लो तुम, तो कह रहा है फिजिकल मेथड में क्या होता है बच्चों, फिजिकल मेथड में क्या होता है बच्चों, हम क्या करते हैं डायरेक्ट इंजेक्शन लगा देते हैं न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल बाय माइक्रो इंजेक्शन मेथड। तो हम क्या करते हैं सीधे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इंजेक्शन के मेथड से सीधा हम सेल में पहुंचा देते हैं, न्यूक्लियस में सीधा डायरेक्टली पहुंचा देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच जाता है, तो ये आपका फिजिकल मेथड हो गया। तो कह रहा है प्लांट सेल में क्या होता है बच्चों, हम बम्बार्डमेंट करते हैं वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल गोल्ड और टंगस्टन का कोट करते हैं डीएनए का विद बायोलॉजिकल जीन। तो जीन गन मेथड में क्या होता है बच्चों, हम क्या करते हैं प्लांट सेल में हम क्या करेंगे गोल्ड और टंगस्टन के ऊपर क्या करते हैं बच्चों, ये माइक हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का है ना। तो गोल्ड और टंगस्टन की कोटिंग करके हम क्या करेंगे इसको हम जीन गन मेथड से या बायोलॉजिकल मेथड से प्लांट सेल में इंसर्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बच्चों तीन तरीके से होस्ट में डाला जा सकता है, पहला आपको पूछेगा पहला है हीट शॉक ट्रीटमेंट, ठंडा करो गर्म करो गर्म करो ठंडा करो उसमें पोर बन जाएगा, दूसरा माइक्रो इंजेक्शन मेथड और तीसरा बायोलॉजिकल जीन गन मेथड है ना। तो इसमें क्या करते हैं गोल्ड और टंगस्टन का कोट करते हैं डीएनए को, गोल्ड से और टंगस्टन से कोट करेंगे डीएनए के ऊपर, गोल्ड या टंगस्टन कोटिंग कर देते हैं, उसके बाद जीन गन मेथड से क्या ट्रांसफर करेंगे बंदूक से, नहीं भैया जीन गन मेथड का मतलब बंदूक की तरह होता है ना। चलिए ठीक, या इसमें लिखा है कि डिसहार्म द पैथोजन वेक्टर अलाउ द इन्फेक्टेड सेल ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, ये चला जाता है। ठीक, आसान। देखो बच्चों इसमें कह रहे हैं कि बच्चों अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट बन गया है, अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट बन गया है तो आप क्या करेंगे, तो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमको लार्ज क्वांटिटी ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनानी है तो उसके लिए हमें लार्ज वेसल चाहिए, इसका नाम होता है बायोरिएक्टर। और जो बच्चों बायोरिएक्टर होता है बच्चों ये क्या करता है, एक ऑप्टिमम कंडीशन देता है ताकि आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बन सके और उसमें टेम्परेचर पीएच सब्सट्रेट साल्ट विटामिन ये सब अच्छे लेवल पर बनाए रखता है बायोरिएक्टर, और उसी का आपका प्रोडक्ट अच्छी तरह से लार्ज अमाउंट में बन जाता है। इसमें लिखा है बच्चों दो तरह से बायोरिएक्टर आपको पढ़ने हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए आपको दो तरह से बायोरिएक्टर पढ़ना है, एक स्टरिंग टाइप बायोरिएक्टर और एक स्पार्क टाइप बायोरिएक्टर। जो जो स्टरर इसमें क्या होता है बच्चों, स्टरर फिक्स होता है बायोरिएक्टर में कैरेक्टर होता है, इसमें क्या होता है आप सिंपल ये इसमें एयर की सप्लाई होती है, यहाँ तुम देख लो इसमें क्या होता है बबलिंग एयर होती है बायोरिएक्टर, ये डायग्राम देख लो तुम समझ लो। देखो ये डायग्राम तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा क्या बच्चों, ये तुम्हारा जो ये तुम्हारा है बच्चों ये दो बायोरिएक्टर है ना। अब देखो ये तुम्हारा ये आपका जो पहला वाला है बच्चों, पहला वाला जो आपका है स्ट्रिंग टाइप बायोरिएक्टर है और दूसरा वाला क्या स्पार्क टाइप बायोरिएक्टर। अब तुम यहाँ देखो, यहाँ तुम देख लो
यहाँ तुम्हारा क्या है बच्चों, ये देखिए, ये देखो इसमें क्या है, तुम्हारा मोटर लगा है, यहाँ फोम बीकर लगा है, यहाँ फ्लैटर ब्लेडर लगा है इसको घुमाने के लिए, और यहाँ तुम्हारा क्या है इंक्रीज सरफेस एरिया ऑक्सीजन ट्रांसफर। तो यहाँ क्या है बच्चों, गैस का इंटेनमेंट है, इसमें बबल है, जो बबल होंगी बच्चों क्या करेगी ऑक्सीजन ट्रांसफरिंग एरिया बढ़ा देती है ना। तो इसमें क्या होता है, हम इसका यूज करते हैं, ये बड़े लेवल पे यूज किया जाता है हमारे डिजायर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ये दो, इसको बायोरिएक्टर बोलते हैं, दो टाइप का होता है बच्चों, है ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, याद रखिएगा, एक स्ट्रिंग टाइप बायोरिएक्टर होता है और एक स्पार्क टाइप बायोरिएक्टर होता है, समझ में आ रहा। तो मेरे हिसाब से बच्चों ये टॉपिक अभी खत्म होगी। एक चीज और तुमको और बता देते हैं, पीसीआर बता देते हैं, पीसीआर इसमें नहीं दिया है ना, तुम्हारे इसमें पीसीआर नहीं दिया बच्चों, मैं पीसीआर तुमको बता देता हूँ। देख बच्चों ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा ये वाला, देख मैं यहाँ थोड़ा याद, इसका थ्योरी मैं नहीं लिख पाया, पता नहीं था मुझे, याद नहीं था। देखो पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो बच्चों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या रूल ये है कि ये कितने टाइम में होता है, थ्री स्टेप में होता है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, है ना, ये तीन होता है। तो बच्चों पीसीआर में डीनेचुरेशन का क्या मतलब होता है, डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि बच्चों कि हमें क्या करना है, डीएनए को 90 डिग्री पे हीट करना है ताकि इसके दोनों डीएनए फ्रेगमेंट अलग हो जाए। अब देखिए यहाँ अलग हो गए। अब एनिली में क्या होगा बच्चों, इसमें हम आरएनए प्राइमर जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे आरएनए प्राइमर। और एक्सटेंशन में क्या होगा बच्चों, इसमें हम जोड़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज, उसका नाम होगा टैग पॉलीमरेज, और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे, है ना। तो एनिलिंग, तो इसका मतलब हो गया कि एनिलिंग के बाद क्या होगा बच्चों, इसमें डीएनए पॉलीमरेज जोड़ेंगे, उसका नाम होता है टैग पॉलीमरेज, उसके बाद जोड़ेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, है ना। इनको जोड़ने के बाद क्या होगा बच्चों, आपका जो आरएनए प्राइमर के बाद यहाँ जुड़ती है कुछ चीजें, वही डीऑक्सीराइबो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, और इसमें टैग पॉलीमरेज क्या करेगा बच्चों, हाई टेम्परेचर भी काम करता है। तो अब क्या होगा बच्चों, एक्सटेंशन में क्या होता है, आपका टैग पॉलीमरेज और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, उसके बाद आपका नया स्टैंड साइंथेसिस हो जाता है, जिसको हम देखो यहाँ तुम्हारा नया स्टैंड बन सका है, अभी ये एम्पलीफाइड हो गया, है ना। तो पीसीआर की मदद से क्या होता है बच्चों, हम ज्यादा नंबर में बिलियन टाइम में सारी चीजें बना सकते हैं, है ना। तो पीसीआर को बच्चों आपसे पूछेगा पीसीआर के लिए क्या क्या जरूरत है, तो आपको पहला एक डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए, एक आरएनए प्राइमर चाहिए, एक आपको टैग पॉलीमरेज चाहिए, और आपको चाहिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। इतनी चीज अगर आप दे देते हैं तो पीसीआर टेक्निक सफल हो जाती है, ठीक। तो आशा करता हूँ बच्चों ये टॉपिक आपको पूरी समझ में आई होगी, और आप पूरी वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो बच्चे जिनको नहीं समझ में आया बच्चों, जो टॉपिक आपको इसमें नहीं समझ में आएगी आप उस कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करने से आपको मैं फिर वो टॉपिक दोबारा पढ़ाऊंगा, जब आपका वन शॉट वीडियो चलेगा, पूरी बायोलॉजी चलेगा सेकंड ईयर की, मेन मेन टॉपिक आपको पढ़ाई जाएगी जो बोर्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। जो एक बार आपसे और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी टॉपिक पे बायोटेक्नोलॉजी में दिक्कत आ रही है, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर मुझे इसमें दिक्कत आ रही थी। ओके, तो मेरे ख्याल से हमारा क्लास खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ओके। एनीवन, चलिए ठीक है, मुझे ऐसा लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है। तो बच्चों हम लोग इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, बायोटेक का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ये आपको समझ में आ गया तो वो अगला वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। उसमें एप्लीकेशन में क्या पढ़ना है, कैसे हमें यूज करते हैं, यहाँ तो आपका प्रोसेस पढ़ाया गया ना, वो हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं, ओके। तो आप सबको धन्यवाद, फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में।